हेलो फ्रेंड्स, आज से मैंने आपके लिए यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी करें या एसएससी जीडी की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए मैंने आज से प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। जब तक पेपर होगा तब तक मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, क्लियर है? यानी कि जब तक आपका यूपी पुलिस हो गया या एसएससी जीडी, जब तक दोनों के पेपर हो नहीं जाते तब तक ये प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैथ्स में अगर कोई भी टॉपिक छूटी है जिनका, मैंने आपको सभी टॉपिक पढ़ा दिया, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको पढ़ना आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक दुकानदार एक रुपये में चार टॉफियां बेचकर यदि 75% लाभ अर्जित करता है तो उसने एक रुपये में कितनी टॉफी खरीदी थी, आपसे ये पूछा गया है। यानी उसने एक रुपये में कितनी टॉफी खरीदी थी, आपसे प्रश्न में ये जानना चाह रहे हैं। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। देखिए, ये एक रुपये में जो भी टॉफी खरीदा होगा पहले, उसकी संख्या अपने आप में तो 100% रहेगी, नहीं उसकी संख्या अपने आप में 100% रही होगी। जब ये एक रुपये में चार टॉफी बेच रहा है तो इसे 75% का लाभ हो रहा है। तो आपको करना है कि यहाँ से जो एक रुपया है ये तो अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% होगा। अब ये 75% का क्या कर रहा है, ये लाभ कर रहा है। तो कह सकते हैं 100 में अगर आप 75 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 175। इसमें आप 175 से भाग देंगे और 100 से क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे, इतना रुपया आ जाए, ये रुपये में आएगा आपका। अब ये किसके बराबर, ये चार टॉफियों के बराबर है। आप इसके बराबर क्या कर लेंगे, चार टॉफियां कर लेंगे। इतना समझ में आया मैंने क्या बताया आपको। अब इसके बाद करना क्या आपको, कैलकुलेशन करना है। देखिए, अगर आप काटेंगे तो 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी, ये 7 बार में कटेगा और ये 25 से 4 बार में कटेगा। ये 4 से 4 कट गया, अब बचा क्या, इधर बचा कितना, 1/7, और इधर कितना बच गया, यानी कह सकते हैं 1 बच गया। अब त्रिक में मल्टीपल हम लोग करते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 रुपया, और ये इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 टॉफियां। आप बता सकते हैं कि उसने 1 रुपये में कितनी टॉफियां खरीदी थी, कितनी टॉफियां खरीदी थी, 7 टॉफियां खरीदी थी। कितनी टॉफियां क्रय की थी इसने, 7 टॉफियां क्रय की थी। तो डी ऑप्शन की इसका मैच, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। वैसे आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लिख के समझा दे रहा हूं ताकि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर आप एग्जाम में कैसे सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे वो भी तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लें कि कोई धन है, वो 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो गया। अगर जैसे मैं मान लूं कि मेरे पास कितना है, 100 रुपये, वो धन कितना मान लो, 100 रुपये। अब ये 8 वर्षों में कितना हो गया, 8 ईयर्स, 8 वर्षों में ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया। जैसे 100 रुपये की राशि है, इसको ले जाके बैंक में जब जमा किया गया तो 8 साल बाद ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो प्रश्न यही जानना चाह रहा है कि हमसे 7 गुना होने में कितना समय लगेगा उसी राशि को। वही धन है, 7 गुना होने में इसे कितना टाइम लगेगा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, 7 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको सॉल्व करने का। अगर आप यहां से जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 200 रुपये, और ये 200 रुपये आपको क्या मिला, तो आप बताएंगे कि ये ब्याज मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला। आप कह सकते हैं कि 800 यानी कि 200 रुपये ब्याज बनने में 8 वर्ष का टाइम लग रहा है। अगर आप इसको यहां से जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 600 मिलेगा। कितना मिलेगा, 600 मिलेगा। यहाँ पे ब्याज कितना बन रहा है, 600 रुपये ब्याज बन रहा है। तो आपको पता है, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में एक पॉइंट नोट में लिखवाया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। 200 रुपये ब्याज बनने में 8 वर्ष का समय लग रहा है, तो 600 ब्याज बनने में कितना समय लगेगा,
तो टाइम भी तो 3 गुना लगेगा, ये इसका क्या है 3 गुना है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा 3 गुना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा ये 24 वर्ष हो जाएगा, 24 वर्ष, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा, वैसे इसमें कुछ है नहीं, वैसे चाहे तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस आप एक बार जरूर से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रवीण किसी कार्य को 10 दिनों में, धीरज 11 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो डिटेल में लिखें या डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप करिए क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप ये जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट आप वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। यहां पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जाम में हम लोग वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन दोनों का करना है कि आपको एलसीएम लेना है, तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 110। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क कितना है ये पता चल गया। इतना क्लियर है? अब ये करना है कि आप प्रवीण क्या कर रहा है, ये 10 दिनों में कर रहा है। अब 10 से करें कि आप इसमें डिवाइड करेंगे, अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि प्रवीण 1 दिन में कितना काम कर रहा है, प्रवीण की कैपेसिटी आपको पता चल जाएगी। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 11 बार जाएगी। इतना क्लियर है? धीरज आप यहां डी वाले से अगर आप भाग देंगे, 11 से टोटल कार्य में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि प्रवीण 1 दिन में 11 काम कर रहा है और धीरज 1 दिन में 10 काम कर रहा है। अब कंडीशन ये है, कंडीशन ये कि अगर मैं मान लू यहां से कार्य का प्रारंभ है, ये कार्य का प्रारंभ है और ये कार्य का क्या, ये अंत है, कार्य का ये अंत है। अब ये दोनों मिलकर क्या करें, शुरू करें, ये दोनों मिलकर कार्य करना शुरू कर देते हैं, कार्य करते करते आ रहे हैं, जैसे कार्य समाप्त होने वाला है उससे 3 दिन पहले कौन कार्य छोड़ दिया, किसने कार्य छोड़ दिया, धीरज ने कार्य छोड़ दिया 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ये जो धीरज है ये डी यानी इसने कार्य छोड़ दिया, तो ये 3 दिन कार्य किसने किया होगा, तो आप बताएंगे कि प्रवीण ने कार्य किया होगा, प्रवीण ने कार्य किया होगा। प्रश्न हमसे यही जानना चाह रहे हैं कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अगर देखेंगे ये 3 दिन किसने कार्य किया, तो आप बताएंगे प्रवीण, प्रवीण 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 11, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 11 3 33, तो टोटल काम में से क्या करिए, आप 33 घटा लेंगे। अगर आप 33 घटाएंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा, ये 77 आपको मिलेगा। इतना क्लियर? अब ये जो 77 काम है ये यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का 77 काम है, और इसको दोनों मिलकर कर रहे हैं, प्रवीण और धीरज दोनों मिलकर कर रहे हैं। अगर दोनों की मैं कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 1 दिन में, तो आप बताएंगे कि 21 काम करेंगे। अब इससे करना है कि आपको इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 21 तिया कितना हो जाएगा, 63, 21 तिया कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 3 बार तो भाग जाएगी और बचा कितना आपका, 14 आपका बचा, कितना बच गया, 14। तो 14 में जो है, 14 में 21 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन ये कटकर क्या हो जाएगा, छोटा रूप हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 3। तो आप यहां से कर लेंगे 2/3, यानी ये कार्य करने में इसे कितना दिन लग गया, 2/3। तो प्रश्न में ये पूछा कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल कार्य के लिए आप क्या करेंगे, टोटल कार्य के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल टाइम जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/2/3 दिन, टोटल टाइम कितना लग जाएगा, इतने दिन का समय लगेगा, ये इसका आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मैंने इसमें देखिए थोड़े जो हार्ड क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी मैंने इंक्लूड किया है, और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कॉलेज में लड़कों के
एक बटा पांच भाग, लड़कियों के एक बटा आठ भाग ने कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों, लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको दिया है, तो पूछा क्या हमसे कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया, आपसे यही पूछा गया है। तो टोटल संख्या देखिए मुझे पता है और लड़के और लड़कियों के बीच का रेशियो भी पता है, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा बॉयज लिख लीजिए और गर्ल, इन दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया, 5:2 दिया गया। इतना क्लियर है। और इनकी टोटल संख्या कितनी दी गई, 420। अगर ये टोटल संख्या है तो अगर आप रेशियो में जब टोटल करेंगे, योग करेंगे, तो कितना मिलेगा, 7। इस योग से इस योग में क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी, 60 बार जाएगी। अगर 60 का आप इसमें ला के गुणा कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने लड़के हैं। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो लड़कियों की संख्या आपको पता चल जाएगी कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए टोटल लड़के पता चल गए, टोटल लड़कियां। अब कंडीशन क्या है कि एक बटा लड़कों के एक बटा पांच भाग और लड़कियों के एक बटा आठ भाग ने कैंप में हिस्सा लिया, तो कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया उन्हीं की संख्या जानना चाह रहे हैं। तो इसका क्या करेंगे, इसका कितना कहा गया, 1/5। अगर आप इसका 1/5 निकालेंगे और इसका 1/8 निकालेंगे, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 60 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, 60 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये मुझे लगता है कि 15 यानी कितनी बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। अगर आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 75 मिलेगा। कितना मिलेगा, 75। आप बता सकते हैं कि कुल विद्यार्थियों यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं जो कैंप में हिस्सा लिए, 75 विद्यार्थी। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात 4:5 है। दूध और पानी का रेशियो दिया गया, उसमें कितने लीटर दूध और डाला जाए कि उनका अनुपात क्रमशः 8:9 हो जाए। तो सबसे पहले यहां देखिए 162 लीटर में दूध और पानी का रेशियो कितना दिया गया, 4:5 है। तो आप यहां से करें क्या, आप डायरेक्ट यहीं पे दोनों को जोड़ लीजिए। अगर आप यहां पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9, और यहां पे दोनों मिलाकर कितना है, इतना है। तो इससे इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 18 बार जाएगी। क्लियर है। अगर आप इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो दूध की मात्रा पता चल जाएगी, इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना पानी की मात्रा आपको पता चल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए मिल्क लिख लीजिएगा और नीचे वाटर लिख लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा, ये 72 लीटर। ये जो रेशियो है इसको आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, 18 कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया। इतना क्लियर है। अब उसमें कितने लीटर दूध और मिलाया जाए कि रेशियो ये हो जाए, किसकी मात्रा मिलाने के लिए कह रहा है, ये दूध की मात्रा मिलाने के लिए कह रहा है। तो दूध ये है, हम लोग मान लें कितना मिला दीजिए, 1 लीटर मिला दिए। मिलाने के बाद इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना हो रहा है, 8:9 हो रहा है। अब यहां से कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, पता करना है कितना उसने दूध मिला, एक्स का मान आपको निकालना है कैलकुलेशन करके। अगर देखिए इसको यहां से काट दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम लोग करते क्या, गुणा करते हैं। जब इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो गया, और इधर कितना, 72x 72+x 72 जाके 80 में से घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 लीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन गैप कर दिया है, मैंने ये कर दिया है कि इसका गुणा इधर कर दिया, 80 हो गया, और इधर कितना, 72+x, तो 72 जाके 80 में से घट जाएगा तो बचा कितना, 8 बचेगा। x की मात्रा आपको पता चल गई, तो इसका पहला ऑप्शन मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 60 भैंसों को एक चारागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए 180 रुपये किराया देना पड़ता है, कितनी भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए कि किराए के रूप में 135 रुपये का भुगतान करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, MDH/WR के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है, ये MDH
अपॉन डब्ल्यू आर, यहाँ पे आप ई लिख सकते हैं इफिशियंसी। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला आपको कंपाउंड प्रपोर्शन में बता दिया, मिश्र समानुपात चैप्टर में आपको बता रखा है, वहां पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो यम है यानी भैंसों का काम करेगा तो आप यहाँ पे कर लेंगे, और जो जो वैल्यू देंगे इसमें रखेंगे, और यहाँ पे जो जो नहीं देंगे आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आर किसको शो करेगा, ये रेंट को शो करेगा, किराए को शो करेगा। डब्ल्यू किसको शो करेगा, वर्क मीन्स कार्य को शो करेगा। डी किसको शो करेगा, डे यानी दिन को शो करेगा। एच आवर मीन्स घंटा को शो करेगा। ई इफिशियंसी मीन्स कार्य करने की क्षमता को शो करेगा। अब जो वैल्यू दी रहेगी उससे रखेंगे, जो वैल्यू नहीं दी रहेगी आप उससे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आप यहाँ पे लिख लीजिए यम का मान कितना दिए गए, 60 भैंसे, और ये जो दिन है कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, आप यहाँ पे 40 लिखेंगे। कितने रुपए किराया देना पड़ता है, 180 रुपए। किराया कहाँ रहेगा, नीचे, बटे कितना हो जाएगा, 180। अब दूसरे प्रकार में क्या पूछा है, कितनी भैंसों को 120 दिनों तक चराया जाए। कितनी भैंसों यानी हम लोग मान ले कि ये एक्स भैंसों को कितने दिन के लिए कह रहा है, ये 20 दिनों को चराने के लिए कह रहा है, और भुगतान कितना कर रहा है, ये 135। तो यहाँ पे देखिए करना क्या, आपको कैलकुलेशन करके क्या करना है, आपको एक्स का मान आपको निकालना है। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कैलकुलेशन करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की इस जनसंख्या में 10%, स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, उस शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है, आपसे ये पूछा है। पुरुषों की संख्या क्या थी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मेल लिख लीजिएगा, और यहाँ पे फीमेल आप लिख लीजिएगा। देखिए पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए स्त्रियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। ओवरऑल यानी कुल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 9% की ये वृद्धि हो रही है। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि इसको यहाँ से घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 1% मिलेगा। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 1% मिलेगा। तो परसेंट से परसेंट दोनों साइड क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, इधर भी परसेंटेज में आएगा, इधर भी परसेंटेज में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पुरुषों, यहाँ पे जो पुरुषों की संख्या रेशियो में 1 है और फीमेल की संख्या कितनी, 1 है, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि दोनों की संख्या मिलाकर कुल कितनी है, 8000 थी। दोनों की संख्या 8000 है, अगर आप रेशियो में जब दोनों को जोड़ेंगे मेल और फीमेल को तो कितना मिलेगा, 2। 2 से क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी दोनों का योग है, अगर आप यहां पे योग करेंगे तो 2 मिलेगा। इस योग को क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगी। अब देखिए किसकी संख्या पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछा है, तो पुरुष वाले में क्या करेंगे आप, लाकर मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4000। आप बता सकते हैं कि पुरुषों की संख्या कुल कितनी थी, 4000 थी। ये इसका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है सभी आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, उनका अंतर कितना दिया गया, 115 है, तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको दिया है और दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो भी दिया गया है, और अंतर कितना दिया गया, 115 का दिया गया। अगर आप रेशियो में दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। इस अंतर को क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 23 बार जाएगी। अब प्रश्न छोटी संख्या पूछा है ना, तो जो रेशियो में छोटा होगा उसमें लाके आप मल्टीपल कर देंगे तो छोटी संख्या आपको पता चलेगी। इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दिया कितना हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा। छोटी संख्या आपको पता चलेगी। अगर प्रश्न में बड़ी संख्या पूछता तो इसका लाके आप इसमें तक मल्टीपल कर दे, छोटी संख्या आपकी कितना आ गई, 69। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 60 है। यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग की 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या आपसे पूछी गई। अगर हम लोग मान ले कि माना पहली संख्या कितना मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए, और तीनों संख्याओं का ये दिया गया, ये औसत दिया है। अगर ये औसत दिया है तो तीनों संख्याओं का योग पता करने के लिए आप क्या करेंगे, तीन संख्याओं का औसत है ना, तो इसमें तीन से आप मल्टीपल कर देंगे तो तीनों संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इसमें आप क्या करेंगे, तीन से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180, तीनों संख्याओं का योग। इतना क्लियर है? अब देखिए, अगर आप कहा क्या है, पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है। अगर पहली संख्या मैंने मान लिया कितना, ये x, और तीनों संख्याओं का योग इतना है, पहली संख्या इतनी है और तीनों संख्याओं का योग इतना है। अगर मैं पहली संख्या इसमें से घटा दूं तो बचे क्या, शेष दो संख्याओं का योग आपको बचेगा, कितना बचेगा, ये 180 माइनस एक्स, यही तो बचेगा जो शेष दो संख्याओं का योग है। लेकिन कंडीशन क्या है, अब उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। पहली संख्या जो है शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है, तो आप यहां से लिख लीजिए, जो पहली संख्या ये है शेष दो संख्याओं के योग, अब इसको यहां से जब घटाएंगे पहली संख्या को टोटल में से, तो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का क्या कहा गया, ये योग कहा गया, सॉरी ये तो माइनस रह गई, दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो गया। इतना क्लियर है? योग की क्या कहा गया, 1/4, 1/4। अगर आप इसका 1/4 निकालेंगे तो यहां पे जो बटे में 4 आएगा इसमें ला के मल्टीपल करेंगे, या आप डायरेक्ट यहीं पे मल्टीपल कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ, जो 1/4 निकालना था मैंने डायरेक्ट यहां पे 4 का मल्टीपल कर दिया। अब ये जो एक्स है ये इधर आएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये कितना है, 180। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 × 3 = 15, और 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30। कितनी बार में कटेगा, ये 36 बार में कटेगा। तो आप बता सकते हैं कि पहली संख्या कितनी होगी, 36 होगी। बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, कप्तान की आयु कितनी है, आपसे ये पूछेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका देखिए, यहाँ पे फर्स्ट मेथड आप लिख लीजिए, यहां से फर्स्ट मेथड, और यहां पे मैं आपको सेकेंड मेथड इसका बताऊंगा, सेकेंड मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको पहला मेथड बताने जा रहा हूं। अब हमसे पूछा कि कप्तान की, यानी जो नया, यानी कि 11, ये कप्तान की आयु पूछा गया, तो आप यहां से लिखेंगे न्यू बराबर, पहले इनका औसत कितना है, 12 खिलाड़ियों का औसत इतना, जब कप्तान आ गया तो औसत में एक की वृद्धि होगी। आप यहां से लिखेंगे पहले ये औसत कितना है, 25 वर्ष। अब 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, 1 वर्ष यानी ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो जो 12 खिलाड़ियों हैं और ये कप्तान भी, कितने लोगों में एक एक बढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि 13 लोगों में ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इतना क्लियर है? यहां से जब इसका गुणा करेंगे तो 13 मिलेगा, 13 को करना कि आपको 25 में ऐड करेंगे, जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 38 वर्ष। कप्तान की आयु कितना पता चल गई, 38 वर्ष। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, बी ऑप्शन इसका मैच, ये इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका सीखते हैं, अगर मैं मान लूं यहां पे देखिए खिलाड़ी क्या है, ये टीम है, यहां पे टीम है, और टीम में कुल कितने खिलाड़ी हैं, तो आप बताएं कि ये 12 खिलाड़ी हैं, इनकी जो औसत आयु कितना है, ये 25 वर्ष है, प्रत्येक कितना 25 वर्ष के है। जब इसमें कप्तान क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, इसमें जब कप्तान क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, तो एक की वृद्धि हो गई, एवरेज में क्या हो गई, एक की वृद्धि हो गई। तो हमसे पूछा है कप्तान की कितनी, यानी कप्तान कितने वर्ष का है, तो सबसे पहले देखिए यहां पे देखिए जो इनका औसत है, आप इसको तो लिखेंगे ही 25 वर्ष। अब इसके आने से एक की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि क्या होगी, सभी में होगी, 12 + 1 कप्तान, 13 लोगों में एक एक की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो आप यहां पे 13 लिखेंगे।
जब इनको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 38 ईयर्स। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से लीजिए, ये आपका वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं में अनुपात आपसे पूछा गया। देखिए घन का आयतन होता क्या, भुजा का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, ये भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब होता है कि नहीं, घन का आयतन क्या होता है, ये भुजा का क्यूब होता है। लेकिन ये आयतन आपको दे दिया है, ये किसके बराबर, अगर आप पहले वाले की बात करेंगे तो यहां से, यानी आयतन आपको दिया है कितना, इतना, तो भुजा पता कर सकते नहीं कर सकते, ये जो क्यूब है ये 27 पे आके लग जाएगा। जब 27 पे आके लग जाएगा तो इस तरह से ए बराबर आप बता सकते कि इतना होगा 3। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूं, ये तो समझाने के लिए कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात पूछा है ना, तो इसका भी आप क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे यहां से, और यहां से इसका भी क्या करेंगे आप, क्यूब रूट करेंगे। तो यहां पर यह कितना देगा, ये 3 देगा, और ये कितना देगा आपको, यहां से 1 देगा। तो भुजाओं का अनुपात आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया कितना, 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप आपसे पूछा गया। देखिए अगर मैं आयताकार यहां से प्लाट बना दूं, इस तरह से ये दिया गया, अब इनकी भुजाओं के बीच का रेशियो दिया गया है, भुजाओं के बीच का रेशियो दिया गया है। अब देखिए यहां से इनकी भुजाएं जो भी कुछ रही होंगी नहीं रहेंगी, जब इन दोनों के बीच में रेशियो लगाएंगे तो किसी सेम संख्या से कटने के बाद ये अनुपात आया होगा। तो पुनः भुजाएं प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सेम संख्या से इसमें गुणा करेंगे, सेम संख्या से इसमें गुणा करेंगे, x से इसमें गुणा कर लीजिए और x से क्या करेंगे आप, इसमें मल्टीपल करेंगे, तो भुजाएं आपको पता चलेंगी। अब देखिए आयताकार की भुजाएं पता चले तो आप यहां से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई इंटू क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 5 को कितना हो जाएगा, 20x² होगा। इतना क्लियर है, क्षेत्रफल तो यहां से देखेंगे, यहां से क्षेत्रफल ये आया, लेकिन क्वेश्चन में क्षेत्रफल किसके कितना दिया गया, 500। क्षेत्रफल मैंने निकाला इतना आया, लेकिन क्वेश्चन में क्षेत्रफल इतना दिया है। तो दोनों क्षेत्रफल क्या करेंगे आप, आपस में बराबर कर लेंगे। अब यहां से कैलकुलेशन आप करना है, जब इसको यहां से काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। अब इधर x² बराबर कितना है, 25 है, तो एक्स का मान आप पता कर सकते हैं, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए एक्स का मान आपको पता चल गया, तो पूछा कि हमसे परिमाप पूछा है, इसका क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। परिमाप का मतलब ये हो जाएगा कि चारों भुजाओं का योग आपको निकालना है, चारों भुजाओं का योग। अगर आप इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, x के स्थान पे 5 रखें तो 5 × 25 हो जाएगा, और 5 × 20, यानी लंबाई कितनी आ गई, 25, और चौड़ाई कितनी आ गई, 20 आ गई। तो परिमाप के लिए क्या करें आप, चारों भुजाओं का योग करेंगे, तो 25 ये भी है, 25 और 20 ये, तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, ये 50 40 90 हो जाएगा। परिमाप कितना आ जाएगा, 90 मीटर आएगा। आप यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं परिमाप बराबर तो होता है क्या, 2 ब्रैकेट में L+B होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, या तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 का डबल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, शांत जल में एक नाव की गति कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का वेग कितना दिया गया, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुप्रवाह में 180 मिनट में नाव कितनी दूरी चली जाएगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है, आप चाहे तो वहां पे जाके आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पे पढ़ लीजिएगा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को। अब देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था, अगर ये जैसे मैं मान लू ये इस तरह से ये धारा बह रही, ये क्या है, ये धारा है। अब यहां से ये कोई नाभिक है, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, जब ये क्या करेगी, नाव जो है धारा की दिशा में चलेगी, तो दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी,
दोनों की चाल क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। और धारा की चाल कितना, 3.5 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था, अगर ये कोई नाभिक है ये धारा की दिशा में चलेगा तो इसकी चाल के साथ ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो इसकी धारा की दिशा में इसकी चाल कितना हो जाएगी, 16 या कितना हो जाएगा, ये 19.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। इन दोनों को जोड़ेंगे तो धारा में चाल, यानी धारा की दिशा में नाभिक की चाल कितना हो जाएगी, 19.5 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में। तो आप यहां से लिखेंगे चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय, ये फार्मूला आपको पता है, पता है ना। तो चाल के लिए क्या करेंगे, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो इसकी चाल कितना आ जाएगी, 19.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये किसमें आएगा, किलोमीटर प्रति आवर्स में आएगा। यहां तक क्लियर है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये किसमें, किलोमीटर में, और ये समय किसमें है, मिनट में। तो इसको भी आप क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। जब इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देना होगा। जब 60 से भाग देंगे तो कितना घंटा हो जाएगा, ये 3 घंटा हो जाएगा। कितना होगा, 3 घंटा। तो दूरी बटा कितना हो जाएगा, समय, समय कितना है, 3। अब क्या करना है कि इसका इसमें मल्टीपल करना है, तो डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, 3 × 5 कितना हो गया, 15, 3 × 5 = 15 हो गया। अब देखिए इसका मैं डायरेक्ट इसमें गुणा कर रहा हूँ, 19 × 3 कितना हो गया, 57, और एक हासिल बचा था तो कितना हो जाएगा, ये 58.5। डिस्टेंस कितना पता चल गई आपको, 58.5 किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को बोट एंड स्टेन चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट जाकर आप वहां से चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 15%, 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसका मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, या आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से आपका अच्छा पड़ेगा। रेशियो मेथड कब यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब ये जो परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में दिया गया, यानी बटे के फॉर्म में दिया गया, तब आप रेशियो मेथड का यूज करेंगे। अगर ये इस तरह से पूर्णांक में दिया तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लेंगे। यानी दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला आपको ये बताया था, प्रतिशत वृद्धि बराबर परसेंटेज, चैप्टर में आपको बताया था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। वहां पर आपको पूरा फिगर द्वारा बना के समझाया था, यहाँ पे हम लोग क्या करें, बस डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए ए और बी का मान आपको दिया है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25, और दोनों को क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे, गुणे 10, और नीचे देखिए 100, एक जीरो से ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26.5%। यानी उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 26.5% की वृद्धि होगी। सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से बी तक की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करता है, तथा वह 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की एक समान चाल से वापस आता है ए पर। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल आपसे पूछा है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में यह बताया था, देख लेते हैं यहां पे एक बार फिर से। ये ए है और ये क्या है, ये बी है। यहां से कोई व्यक्ति जा रहा है और इसकी चाल आपको दी गई, हम लोग मान ले चाल कितना है, एक्स किलोमीटर प्रति आवर्स है। अब ये यहां से इधर से ये इस तरह से ये गया और इधर से वापस आ रहा है, और वापस किसी और चाल से ये आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि औसत चाल आप बता दें, एवरेज स्पीड आपसे पूछी जाएगी। तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले ये देखिए, एक बार गया एक बार आया, प्रोसेस कितनी बार हुआ, दो बार हुआ, तो आप यहां पे 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, चालों का मल्टीपल करेंगे, एक्स इंटू वाई बटे क्या करेंगे, चालों का योग करेंगे। ये आपको क्या आ जाएगा, औसत चाल का फार्मूला आपको मिल जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर। अब इसी फार्मूले में रख के क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर, दोनों का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर दोनों का मल्टीपल करेंगे,
तो 36 गुणे कितना हो जाएगा ये 45। अब नीचे क्या करेंगे, दोनों का योग करेंगे। जब दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 81 हो जाएगा। देखिए 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है। अगर आप इसको करेंगे 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और 9 सते 99 कितना हो जाएगा 81। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। अब इनका करना है कि आपको मल्टीपल करना है, 5 चौक 20, 20 दोनों कितना हो जाएगा ये 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। एवरेज स्पीड बराबर कितना आ गई, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ आपसे पूछा गया। जो सीपी है वो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। तो आप यहां से लिखेंगे सीपी यानी क्रय मूल्य लिखेंगे और यहां पे सेलिंग प्राइस आप लिखेंगे, विक्रय मूल्य आप लिखेंगे। अब ये 80 यानी जो सीपी है विक्रय मूल्य के कितना 80%, 80% को क्या बोल सकते हैं आप, इसको आप क्या बोल सकते हैं 4/5 आप बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं बोल सकते 4/5। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लाके बटा कर देंगे तो सीपी बटे ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस और ये 4/5 यानी ये देखिए क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, 4 रुपए की वस्तु को खरीद, कोई 4 रुपए की वस्तु को इसने क्या कर दिया 5 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट इसे कितने का हुआ, तो आप बताएंगे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब इसको परसेंटेज में बताना है, कितने पर प्रॉफिट हो रहा है 4 पर हो रहा है 4/4। 1/4 का मान कितना होता है, या इसको आप प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करिए। अगर आपको पता है कि 1/4 का मान कितना होता है 25% होता है, कितना होता है ये 25% होता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आंसर कितना है। या आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर सकते हैं आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, तो भी आपका 25 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव आपसे पूछा गया है। अंडों का क्या पूछा आपसे, वर्तमान प्रति भाव आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से अंडों की ये मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो गई। प्राइस में अगर आप बात करेंगे, प्राइस में 20% का मान कितना होता है, तो अब बताएंगे 1/5 होता है, 1/5। अगर ये देखा जाए तो पहले अंडा 5 रुपए मिल रहा था, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अंडा कितना मिला है 6 रुपए में मिल रहा है, प्राइस में वृद्धि हो गई तो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा 6, 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा 6। अब यहां से आप क्या लिखेंगे, कंजप्शन यानी कि खपत आप लिखेंगे। तो जो कंजप्शन है इस प्राइस का क्या होता है, ये उल्टा होता है। ये मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पूरा डिटेल में वहां पे आपको समझाया था। यहां पे हम लोग क्या करें, बस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, 6:5 कितना हो जाएगा ये 5। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे तो अब इस यहां से 2 अंडे क्या हो गए, कम मिलने लगे, 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। अब यहां से इसको यहां से घटाएंगे, तो यहां से जब घटाएंगे तो कितने अंडे यहां से देखेंगे तो कितना कम हो रहा है, तो आप बताएंगे 1 कम हो रहा है। 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 अंडे के बराबर हो जाए, 2 अंडे के क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाए। यहां तक समझ में आया। अगर मैं इसका लाके इसमें गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो पहले कितने अंडे खरीद रहा था। इसका लाके इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा, इसका लाके इसमें आप गुणा करिए तो कितना हो जाएगा ये 10 अंडे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, अंडों का वर्तमान वर्तमान प्रति दर्जन का भाव पूछा गया है। अब इसके लिए करना क्या, आपको सबसे पहले यहां से देखिए 10 अंडे ये कितने में खरीद रहा है, ये इतने रुपए में खरीद रहा है। तो इससे क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे 24 में क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। इतने अंडे खरीद रहा है इतने रुपए में, तो 24 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 अंडे की कीमत कितना हुई। एक अंडे की कीमत कितना आ जाएगी 2.5 रुपए। नीचे 10 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 अंक पे 10 लग जाएगा। 1 अंडे की कीमत आपको पता चल गई। हमसे पूछा क्या है ये, प्रति दर्जन भाव, प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा 12 अंडे का दाम बताना। तो इसमें क्या करना है, आपको 12 से मल्टीपल करना होगा। आप यहां से लिख लीजिएगा, दर्जन के लिए, दर्जन के लिए
इसमें क्या करेंगे आप 12 से मल्टीपल करेंगे 2.4 और इंटू 12। जब इसमें 12 से मल्टीपल करेंगे तो यहां से 12 चुको कितना हो जाएगा, ये 48 हो गया, हासिल कितना बच गया 4 और 12 दुना 24, 24 चार कितना हो जाएगा 28, 28 ये आ गया। यानी दर्जन यानी अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव कितना हो गया, इतना रुपया हो गया प्रति दर्जन, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा 28.8, ये वाला देखिए ऑप्शन मैच करा। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। सबसे पहले जो वृद्धि हो रही आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी 5 से बढ़कर कितना हो गया 6, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस लिख लिया। फिर मैंने क्या बताया प्राइस का उल्टा क्या होता है कंजप्शन होता है, तो इसको आप क्या करेंगे इस रेशियो को आप पलट देंगे, तो 6:5 यहां से देखेंगे तो कितने की कमी हो गई, आप यूनिट में देखेंगे 1 यूनिट की कमी हो गई, लेकिन यहां से 2 अंडे कम मिले तो 1 यूनिट का मान कितना है 2, इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने अंडे खरीदे, 10 अंडे खरीदे, 10 अंडे कितने में खरीदे तो यहाँ पे क्या करेंगे 24 रुपए में खरीदे, तो 10 में क्या 10 से क्या करेंगे आप 24 में डिवाइड करेंगे तो एक अंडे का दाम आपको पता चलेगा, वर्तमान आपको पता चलेगा, वर्तमान मूल्य आपको पता चलेगा, एक अंडे का मूल्य इतना। हमसे पूछा कि प्रति दर्जन यानी कि 12 अंडे का पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे आप 12 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये नया भाव, अगर पुराना भाव पूछता तो हम लोग इधर पुराने वाले के लिए करते, पुराने वाले के लिए तब इधर सॉल्व करते। पुराना वाला अगर आपको सीखना है तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है परसेंटेज में, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किया और वह 85 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम आपसे पूछा, यानी पेपर कितने नंबर का हुआ आपसे ये जानना चाह रहे, पूर्णांक पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे पास होने के लिए, और यहाँ पे आप पास लिखिए, पास होने के लिए कितना चाहिए 36% चाहिए, कितना चाहिए 36% चाहिए, जबकि एक विद्यार्थी ने क्या किया 113 नंबर प्राप्त किया और कितने नंबर से फेल हो गया 85 नंबर से फेल हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं 85 नंबर दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, पास होगा कि नहीं, तो मैं इसको 85 नंबर दे दे रहा हूँ, ये 85 नंबर मैंने इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया, अब ये पास हो गया और पास होने के लिए कितना चाहिए 36, पास ये भी, अब यहां से दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। इतना क्लियर है, यानी 36% का मान आपको दिया गया है, तो इससे आप क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 1% का मान आ जाएगा। हमसे पूछा कि पूर्णांक कितने नंबर का है, तो जो भी पेपर हुआ होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा 100% रहा होगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां से इसको डिवाइड करना है तो मुझे लगता है कि 18 से ये कट जाएगा, 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 एकम 18 दोनों कितना हो जाएगा 36, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, 11 5 कितना हो जाएगा 55, कितना मिल जाएगा 550, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है 48 शेषफल प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में बता रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि किसी संख्या को इतने से भाग देने पर शेषफल इतना मिला, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया है तो शेषफल कितना मिलेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था आप उस संख्या में भाग देने की वजह जो शेषफल बच रहा है इसी से क्या करें आप इसको डिवाइड करेंगे, इसी से इसको डिवाइड करेंगे तो 43 से कम 43 हो गया और शेष कितना बच जाएगा 5, यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5 रिमाइंडर बच जाएगा, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। डिटेल में अगर सीखना है तो नंबर सिस्टम वाली क्लास मेरी एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता
तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता, वो धनराशि आपसे पूछी गई। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोई धनराशि है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई, यदि इसे क्या कर दिया, जो भी पहले रेट रही होगी अगर उससे क्या करेंगे 1% बढ़ाकर निवेशित किया गया होता तो इतना रुपया अधिक ब्याज मिलता, इतना रुपया अधिक ब्याज मिलता, वो धन आपसे पूछा गया। तो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए जो 1% अगर ये अधिक ये देता, 1% अधिक पर ये जमा करता, तो 1% ये कितने वर्षों के लिए देता, 2 वर्षों के लिए, तो एक इस तरह से 2 वर्षों में कितना अधिक ब्याज बनेगा, इस तरह से ब्याज कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, पहले वर्ष में 1%, अगले साल भी 1%, तो इस तरह से 2 वर्षों में हो जाएगा कितना, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, ये इतना ब्याज बनेगा। लेकिन यहां पे देखिए कहा क्या, इतना रुपया अधिक मिलता है, इसी के तो बराबर ये जो अधिक मिल रहा है किसके चलते अधिक मिल रहा है, जो 1% अधिक ब्याज अगर देता तो इसी की वजह से ये 24 रुपये अधिक मिलता है। तो 2% का मान आपको ये दिया है, ये किसका मान दिया, 2% का मान दिया है, तो 24 में आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2% यानी 2 से डिवाइड करेंगे और 100 से क्या करेंगे आप मल्टीपल कर लेंगे, तो वो धन आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। वैसे देखिए इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं, अब ये 1% अधिक बढ़ाकर दे रहा है ना, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो इस तरह से कितना ब्याज अधिक बनेगा परसेंटेज में, 2% अधिक ब्याज बनेगा, और रुपए में कितना बढ़ा, ये इतना, तो कह सकते हैं ये 2% का मान है। आपको करना है कि 24 में क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीपल करेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, या आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो क्लियर बहुत ज्यादा हो गई। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को मैथ्स में अगर कोई टॉपिक छोटी हुई है तो मैंने आपको सभी टॉपिक पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट आप वहां से चेक करिए, प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो जो भी टॉपिक आपकी छोटी है आप वहां से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल मैंने आपको वहां पे पढ़ा रखा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।